तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, तो उस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की है और ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी है, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी और भाजपा के लिए भी, क्योंकि भाजपा में सबसे बड़े नेता आडवाणी जी हैं। और जब ये आज भी यही कहा जाता है कि आडवाणी और वाजपेयी का जो युग है वो अलग था, आज भी उनको याद किया जाता है, वाजपेयी जी को, आडवाणी जी को भी, जबकि आडवाणी जी आजकल अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका जो आंदोलन रहा है राजनीति में, जो उनका योगदान रहा है, खासकर राम मंदिर को लेकर, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज संभवतः इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। और इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। तो भाजपा या ये कहें कि केंद्र सरकार इस वक्त जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगातार भारत रत्न से सम्मानित कर रही है, जो सीधे जनता से जुड़े हुए, चाहे आप कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण ले लीजिए या अब लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लीजिए, तो जिनका सीधा जुड़ाव आम लोगों से है, आम लोगों से सीधा संपर्क है, तो ऐसे लोगों को अब सरकार भारत रत्न दे रही है। और इससे पहले सरकार ने कई बार दावा भी किया है कई इसके बड़े मंत्रियों ने कि पहले भारत रत्न था तो कुछ बड़े लोगों के लिए ही हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है, अब सरकार बदल गई है, तो उसी को नजर भी आ रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को आप भारत रत्न दे रहे हैं और अब लाल कृष्ण आडवाणी के, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भाजपा के लिए और लाल कृष्ण आडवाणी के लिए। बिल्कुल अशरफ, जैसे कि आपने कर्पूरी ठाकुर की भी बात की है, तब जब उनको भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कहा गया था, जब वो खबर सामने आई थी, तभी वहां पर सियासत भी गर्म होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब अगर हम बात कर ले तो ये कहा जा रहा है कि जो लोग जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, जो लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, जमीन पर उतरते हुए नजर आए, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, अब बीजेपी के शासन में उन लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये वो ही श्रृंखला है, उसी क्रम में ये है, पहले कर्पूरी ठाकुर को और अब आडवाणी जी को, वो जो लोग जमीन से जुड़े हैं, सीधा आम लोगों से या आम कार्यकर्ताओं से बात करते थे, उन लोगों को पार्टी आज सम्मानित कर रही है। और आडवाणी जी को भारत रत्न देना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका एक अपना योगदान है, आडवाणी वाजपेयी युग आज भी कहा जाता है, जबकि अब वो इतने सक्रिय नहीं है राजनीति में, लेकिन आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वजह यही है, क्योंकि वो सीधे सीधे जो आम लोगों से जुड़े हुए थे, आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते थे, उनके बीच में रहते थे, और उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है।
बिल्कुल अशरफ, ये बहुत बड़ी जानकारी है। और जिस हिसाब से देखिए, जैसे कि आपने भी बताया कि जिन लोगों ने लगातार काम किया है, लोगों के बीच गए हैं, बातचीत करते हुए नजर आए हैं, और अगर हम बात लालकृष्ण आडवाणी की कर ले तो लगातार देखिए उनका जो स्वभाव, उनका जो काम करने का तरीका, वो हर किसी के लिए एक मिसाल पेश करता है। बिल्कुल, बहुत मिसाल है। जब आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, तब भी वो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब वो जनता से दूर हो गए हों, उन लोगों से जनता से कट गए हैं, आम लोगों से बात नहीं, तब भी वो जनता के आम लोगों से के बीच में थे, उनका सीधा जुड़ाव था। आज भी उनके काम को लेकर, चाहे वाजपेयी जी हो या आडवाणी जी, तो उनको याद किया जाता है। वाजपेयी और आडवाणी के युग कहा जाता है कि एक युग था, वो भाजपा का एक युग थे, एक युग पुरुष थे, तो इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं। वो सिर्फ वजह यही है कि वो जनता से जुड़े हुए थे, आम लोगों से जुड़े हुई बात करते हैं। कपूर ठाकुर को भी देख लीजिए, दो बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी जनता से जुड़े हुए थे। उनका भी स्थिति ये कि मतलब बिल्कुल जो काम करते थे आम लोगों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं उन्होंने, तो इसी वजह से उनको भी, कपूर ठाकुर को जननायक कहा जाता था, क्योंकि वो आम लोगों से जुड़े हुए थे, उन्हें जननायक कहा जाता था। तो आम लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आडवाणी जी की बात कर लीजिए, वाजपेयी जी की बात कर लीजिए, कपूर ठाकुर की, तो उन्हीं को आज सरकार सम्मानित कर रही है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की का ट्वीट किया है। जी बिल्कुल अशरफ, जिस हिसाब से देखिए, ये बहुत बड़ा ऐलान तो है ही, और साथ ही सभी के लिए गर्व की भी बात है। बात आप कर्पूरी ठाकुर की कर रहे थे, कर्पूरी ठाकुर को देखिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, इसकी मांग की जा रही थी। और उस दौरान एक किस्सा भी हुआ था, ये नजर आया था कि कुछ लोग गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने गए थे, उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जिस हिसाब से दलितों के लिए काम करते हुए नजर आए, उनको सम्मानित किया जाए ताकि आने वाले दिनों में ये लोग कुछ अच्छा कर सके। वही देखिए, अब यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जैसे कि आप कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए लोगों के बीच जाना, बातचीत करते हुए, स्वभाव देखते हुए, इस हिसाब से ही अब ये जो नाम आ रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। पहले भारत रत्न ऐसा होता था कि कोई बड़ा नाम हो उसी को, लेकिन अब जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, लोगों के बीच जाता, बातचीत करता हुआ, और उसका जो लोगों के प्रति स्वभाव रहा, वो सब अब देख करके ही ये नाम अब ऐलान किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जितने भी आप केंद्र सरकार के अवार्ड हो, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, या और दूसरे सम्मान करने वाले अवार्ड हो, तो आप देखिए उसमें जो अवार्ड किया दिया जा रहा है या सम्मानित किया जा रहा है, वो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनको कोई नहीं जा, चाहे आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, चाहे आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, कहीं भी को, या मध्य प्रदेश के कहीं इलाकों की बात कर लीजिए, जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में काम किया, जनता के बीच में है, और उनके काम से जनता को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा है, तो उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। और ये सम्मानित करने का जो दौर है पिछले 3-4 साल से लगातार जारी है। और लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का, तो इसने तो बिल्कुल अब साफ कर दिया है कि जो जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन पे रहे हैं, और आम लोगों से जिनका सीधा संवाद, और जिनका आने से, जिनकी राजनीति से कुछ परिवर्तन आया, ऐसे लोगों को सरकार सम्मानित कर रही है। जी बिल्कुल अशरफ, क्योंकि देखिए जब इस तरीके के बड़े ऐलान होते हैं तो सियासत भी कई बार गर्म होती हुई नजर आती है। क्या अभी कोई बयान किसी का और सामने आया है? अभी अभी प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है, तो अब लगातार भाजपा की तरफ से तमाम बड़े नेता इसका स्वागत करेंगे और बयान देंगे। जी ठीक है अशरफ, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये बताया है। तो देखिए जैसे ही ये खबर आई, अब देखिए कुछ और नेताओं के बयान सामने आएंगे। हर कोई अब लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देता हुआ नजर आएगा। कुछ दिन पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भी ये ऐलान हुआ था कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए जब आजकल जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, कई
बड़े नाम भी सामने, पहले ऐसा लगता था कि उन्हें को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो अब कार्यकर्ता जमीनी से जुड़ा हुआ है वो भी अब भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर है, बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं, एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत। क्योंकि तस्वीर तो हमारे मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय जी, हमारे डायरेक्टर एवं निर्देशक डॉक्टर एसएस अग्रवाल और डॉक्टर माधवानंद कर के साथ फोटो सेशन के लिए, सारी फैकल्टीज के साथ फोटो सेशन के लिए पधार रहे हैं। एक तस्वीर बहुत अच्छा मौका होता है इस क्षण को यादगार बनाने का, तो कृपया आइए हम सब भी इसका दिल से तो देखिए आपको सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एम्स जोधपुर का दीक्षांत समारोह जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं, उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी साथ है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एम्स जोधपुर का दीक्षांत समारोह है और जैसे ही देखिए सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे तो वहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आए थे। और अभी ये तस्वीर देखिए जब हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप सीएम भजन लाल शर्मा को देख पा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको नजर आ रहे हैं। तो दीक्षांत समारोह का ये कार्यक्रम जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और जोधपुर से ये लाइव तस्वीर। तो सीएम भजन लाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं, जोधपुर से ये तस्वीर है और आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी उनके साथ नजर आ रहे हैं जोधपुर में दीक्षांत समारोह, और गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको नजर आ रहे हैं जोधपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर। सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे सभागार की ओर प्रस्तुत करने वाले हैं। आइए आप सबसे निवेदन है दिल में प्रेम और मन में आदर के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथियों को। तो जोधपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर है, सीएम भजन लाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी उनके साथ आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीर, एम्स जोधपुर का दीक्षांत समारोह है जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शिरकत करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जब सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे, कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित थे सीएम भजन लाल शर्मा के। तो अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं कि दीक्षांत समारोह जिसमें पहुंचे हैं सीएम भजन लाल शर्मा, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ देखिए मनसुख मांडविया भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे हैं। तो ये बड़ा कार्यक्रम जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और कई कार्यक्रम भी बताए जा रहे हैं सीएम भजन लाल शर्मा के। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि जब सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नजर आए, फूल माला लेकर के लोग पहुंचे थे सीएम भजन लाल शर्मा का स्वागत करने के लिए। और साथ ही साथ मनसुख मांडविया भी आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आए, जो भी वहां पर पहुंचे तो लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें देखिए दीक्षांत समारोह का आयोजन, सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं, साथ ही साथ वहां पर मनसुख मांडविया भी उनके साथ मौजूद हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीएम भजन लाल शर्मा के साथ, और ये तस्वीर जोधपुर से हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। ये तस्वीर है आप देख पा रहे हैं जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, मनसुख मांडविया नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर देखिए पूरी तरीके से यहां पर मंच सज चुका है, दूसरी तस्वीर जिसमें आप सीएम भजन लाल शर्मा, मनसुख मांडविया, गजेंद्र सिंह शेखावत को देख पा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।
बाजी हाथ समन्वय करते हुए विद्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय निमोड़िया में प्रिंसिपल को कक्षाओं में बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों एवं बच्चों से बोर्ड पर सौंदर्य, आशीर्वाद और ब्रह्मचारिणी जैसे शब्द लिखवा करके उनके शब्द और भाषा ज्ञान को भी परखा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सक्रियता कांग्रेस को राष्ट्र